और उसने आदम को सब चीजों के नाम सिखाए, फिर उनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया कि अगर सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है उसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं, बेशक तू दाना है, हिकमत वाला है। तब अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया कि आदम, तुम इनको इन चीजों के नाम बताओ। सो जब उन्होंने उनको उनके नाम बताए तो फरिश्तों से फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की सब पोशीदा बातें जानता हूं, और जो तुम जाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो सब मुझको मालूम है। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आकर काफिर बन गया। और हमने कहा कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहां से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को उस दरख्त के बारे में फिसला दिया और जिस ऐश निशात में थे उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्त बरी से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और मुआफी मांगी तो उसने उनका कसूर मुआफ कर दिया, बेशक वो मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। हमने फरमाया कि तुम सब यहां से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो उसकी पैरवी करना, कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने उसको कबूल न किया और हमारी आयतों को झुठलाया वो दोजख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। ए आले याकूब, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए थे, और उस इकरार को पूरा करो जो तुमने मुझसे किया था। मैं उस इकरार को पूरा करूंगा जो मैंने तुमसे किया था, और मुझी से डरते रहो। और जो किताब मैंने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है, जो तुम्हारी किताब यानी तौरात को सच्चा कहती है, उस पर ईमान लाओ और उससे मुनकिर अव्वल न बनो। और मेरी आयतों में तहरीफ करके उनके बदले थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मुनफ़ात ना हासिल करो, और मुझी से खौफ रखो, और हक को बातिल के साथ न मिलाओ, और सच्ची बात को जानबूझ कर न छुपाओ, और नमाज पढ़ा करो और जकात दिया करो, और अल्लाह के आगे झुकने वालों के साथ झुका करो। ये क्या अक्ल की बात है कि तुम लोगों को नेकी करने को कहते हो और अपने तई फरामोश किए देते हो, हालांकि तुम अल्लाह की किताब भी पढ़ते हो, क्या तुम समझते नहीं? और रंजो तकलीफ में सब्र और नमाज से मदद लिया करो। और बेशक नमाज गरा है, मगर उन लोगों पर गरा नहीं जो इज्ज करने वाले हैं, जो यकीन किए हुए हैं कि वो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं और उसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ऐ याकूब की औलाद, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए थे, और ये कि मैंने तुमको जहान के लोगों पर फजीलत बख्शी थी। और उस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ भी काम ना आए और न किसी की सिफारिश मंजूर की जाए और न किसी से किसी तरह का बदला कबूल किया जाए और न लोग किसी और तरह मदद हासिल कर सकें। और हमारे उन एहसानात को याद करो जब हमने तुमको कौम फिरौन से नजात बख्शी, वो लोग तुमको बड़ा दुख देते थे, तुम्हारे बेटों को तो कत्ल कर डालते थे और बेटियों को जिंदा रहने देते थे, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी सख्त आजमाइश थी। और जब हमने तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ दिया, फिर तुमको तो नजात दी और फिरौन की कौम को गर्क कर दिया, और तुम देख रहे थे।